ऐसा मैंने भी जिस प्रकार से सरकार हर बिंदु के ऊपर फैल हुई है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो बजरी माफिया की बात हो, चाहे महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनकी बात हो, चाहे बिजली पानी को लेकर के पूरी तरीके से ये फैल रही हो, हीट वेव से लोगों की जाने बचाने में फैल रही हो, हर क्षेत्र में पूरी तरीके से फैल है और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी हो गई। जनप्रतिनिधि की यहाँ कोई कदर नहीं रही। एक थर्ड ग्रेड के टीचर का ये ट्रांसफर नहीं करा सकते, एक बाबू अपने कार्यालय में लगा नहीं सकते, ऐसे ही लगा नहीं सकते। और सारे के सारे बीजेपी के जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेसी से मिलने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, अपनी गुहार करने के लिए वेटिंग लिस्ट में खड़े होने लग गए और पर्चियां कटाने लग गए कि कब मेरा नंबर आए, कब मैं ब्यूरोक्रेसी को अपनी बात करूं। तो ये जो आलम मैं समझता हूं कि राजस्थान में हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के मुद्दों के ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। आपसी लड़ाई में इतने ज्यादा भिड़ चुके हैं आपस में कि अब इनका कोई संपट बैठने वाला नहीं है। टोंग के अंदर एक हेड कांस्टेबल बजरी माफिया ने उसकी हत्या कर दी, ये सरकार चुप है। आप चूरू की घटना को ले लो, जयपुर की घटना को ले लो, जोधपुर की घटना को ले लो, आज आए दिन दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। और इस 6 महीने में तो इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया अपराध बढ़ाने का। और ये सरकार चल कैसे रही है, ये काम क्या कर रही है 7 महीने से, ये प्रदेश की जनता में एक फूटूल सवाल बना हुआ है कि ये कर कौन रहे, क्या कर रहे हैं।